अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, चाहे बुलडोजर का हो, चाहे कानून व्यवस्था पे हो, चाहे जाति पर आधारित स्थानांतरण का हो, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। मैं जरूर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और बुलडोजर का जो दुरुपयोग हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है। बुलडोजर तभी चल सकता है जब किसी कोर्ट का आदेश हो, सारे नियमों का पालन हुआ हो, सारी औपचारिकताएं हो, तभी किसी का घर गिराना चाहिए। सर, एक और इस तरह की घटना की रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूपी के सिद्धार्थ नगर के अंदर एक पत्नी अपने बीमार पति को अस्पताल लेकर जा रही थी और वहां एम्बुलेंस को रोक लिया गया, उसकी सांस की नली जो ऑक्सीजन की वो हटा दी गई, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे थे उनके पति और उस महिला के साथ मोलेस्टेशन जैसा जघन्य अपराध। ये सुनकर जघन्य घटना, मन कांप जाता है। मानवीयता कहां तक गिर गई, कितने अमानवीय हो गए हैं अपराधी, और कितनी खुली छूट है उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, हाथरस, जिलों जिलों से बलात्कार की खबरें आ रही हैं, मोलेस्टेशन की खबरें आ रही हैं। एम्बुलेंस में पति को लगी हुई ऑक्सीजन की नली निकाल दी जाती है, विवश किया जाता है महिला को, उस पर सेक्सुअल असॉल्ट होता है। शर्मनाक, दुखद, घृणित, जो भी अपराधी हो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। ये तो इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला प्रकरण है।